जौनपुर जिला मूली, मक्का और इमरती के लिए पूरे देश में मशहूर है। जौनपुर की मूली कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। जिले के कुछ खास इलाकों में नेवार प्रजाति की मूली पैदा की जाती है, जो करीब 5 फीट तक लंबी और इसका वजन 10 किलो से लेकर 15 किलो तक होता है। फिलहाल इस प्रजाति की मूली को कुछ किसान ही पैदा कर रहे हैं, वह भी जिले की शान बढ़ाने के लिए। सर्दियों में इस मूली को पैदा किया जाता है। जौनपुर की दोमट मिट्टी इस प्रजाति की मूली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जौनपुर जिला की सीमा से लगे आधा दर्जन गांव में इस प्रजाति की मूली को उपजाया जाता है। आज इस मूली के कारण पूरे देश में जिले को खास प्रसिद्धि मिली हुई है। जिले के गुलाब मौर्या नाम के किसान हर साल नेवार प्रजाति की मूली उपजाते हैं, फिर इसको देश की कृषि प्रदर्शनियों में लेकर जाते हैं। उनकी इस मूली को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। इसका वजन 10 किलो है, लगभग 2.5 फीट है। वही मूली है जिसके लिए जो प्रसिद्ध है? हाँ सर, वही नेवार मूली है। प्रबंध परिषद के सदस्य, ये कितने दिनों में पैदा होगी? 4 महीने में इतना हो जाता है। ये केवल जौनपुर में ही? नहीं नहीं, जौनपुर में तो ज्यादा बड़ी हो जाती है, बलुई दोमट मिट्टी के नाते ये ज्यादा बड़ी होते हैं। और जौनपुर की धरोहर है ये, इसको हम लोग उगाते हैं कि जौनपुर का नाम रोशन रहे। मूली, मक्का और इमरती जौनपुर की पहचान है। जौनपुर की मूली जो होती है काफी बड़ी होती है। हमारे साथ में भी एक ऐसी मूली है जो यहाँ किसान ने पैदा की है, और ये करीब 10 किलो की मूली है और काफ़ी बड़ी विशालकाय मूली है। ये करीब 4 महीने में पैदा होती है, और पूरे देश में जौनपुर ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे इस तरह की मूली पैदा होती है, जिसके लिए जिले को विशेष ख्याति भी प्राप्त है। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।